सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन नवरंगपुर। आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंदिर जी से। तो आज का कुछ प्रोग्राम नहीं है, मतलब है प्रोग्राम, दो दो शादी अटेंड करनी है, ठीक है। तो अब ये बोलेगा, बोल बोला बोल इंटरनेट पे कर कुछ नहीं, कैमरा की तरफ मत देख, बोल। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, बोल। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस इज ऋषभ जैन। तो थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा है ना। तो क्या कुछ सीन रहता है आज का, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, और कुछ बोलना है ऋषभ भाई, हैं? नहीं बोलो, अच्छे शर्मा रहे भाई। वैसे तो फोन लेके बोल रहा था रे, हैं? पर अब नहीं है। क्यों अब नहीं है बताओ ना। अब पापा देखे जय जिंदा जी। क्या बोला पापा ने, जो तूने बनाया था क्या पहले जो ब्लॉग? अच्छा, स्विच ऑफ हो गया, चार्ज में लगाओगे फिर बनाएंगे। सो गाइस, नाउ इट्स ड्रेस चेंज। अब हम जाएंगे गणेश भैया के रिसेप्शन में। अभी उनका मॉर्निंग में एंगेजमेंट होगा और रात को शादी होगी, तो फर्स्ट एंगेजमेंट अटेंड करेंगे। और नाश्ता वगैरह भी वहीं पे प्रोग्राम चल रहा है, तो मंदिर से फिलहाल आ गए हम घर। फर्स्ट जाऊंगा दुकान, फिर जाऊंगा वहाँ पे। सो टाइम अभी हो रहा है 10:30, ओके। और अभी हम जाएंगे वहाँ जहाँ एंगेजमेंट है गणेश भैया का। तो दुकान थोड़ी बहुत ओपन की है मैंने, थोड़ा बहुत सामान ही निकाला है बाहर। तीनों के तीनों आज छुट्टी पे हैं और शादी भी अटेंड करनी है, कैसे करना है ये एक बटन है, बट हो जाएगा। ओ भाई, ब्राइट टू बी। सो गणेश भैया के यहाँ हम बाद में जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ आ गए हैं मनी के पास। आज इसकी भी शादी है। दिस स्पाइस इज मेड बाय दिस ऑल, दैट्स व्हाई हियर सब लोग बैठे हुए हैं। ओके, आजा भैया, विद आ रहे, विद आ जा, हर जगह कर पड़ो कर, वोट जा, कैरी ऑन गाइस, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, जा। ए वेरी गुड वाइफ ब्रो, वाइफ कहीं तो रहो, वाइफ इट आ गई। तो ये दोनों शादी कर रहे हैं गाइस, देखो मैरिज में आए हो आप आज, मेरा मैरिज है भाई आज, चल पे झूठा। फिलहाल अभी हम आए हैं मनी के एंगेजमेंट, सॉरी एंगेजमेंट में नहीं, शादी में आए हैं अभी, अराइव्ड भाई, रिसेप्शन है अभी, शाम को रिसेप्शन है। तो फिलहाल वो वहाँ बैठा हुआ है, उससे मिल के आते हैं, फिर जाएंगे हम गणेश भैया के यहाँ। जाएगा क्या तू, जीवन है ना, ये बंद करो पहले। बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो कैसे हैं आप लोग भाई, कुछ बोलो भाई, तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा है, से समथिंग अच्छा है जी, नहीं रे बोल भाई, सब लोग खुश रहो। सर, एनीथिंग मोर इज व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग अबाउट खीरी सर, हैं? डेकोरेशन में कुछ ऐसा हुआ है, बीच में लव लिखा हुआ है। ओके, सो गाइस, टाइम उस टाइम 10:34 हुआ था और अभी हो रहा है 11:50। ओके, तो 1 आवर हमने यहाँ पे बिता लिया। अब चलते हैं दुकान, थोड़ा एक बार दुकान में देख लेते क्या होता है, फिर जाएंगे गणेश भैया के यहाँ पर। यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया, वहाँ लंच करेंगे, फिर यहाँ पे डिनर करेंगे। दो जन का शादी एक ही दिन में अटेंड करना है। सब कुछ ज़्यादा नहीं खोली है गाइस, बस इतनी खोली है। और यहाँ पर हमने डॉल सजाया हुआ है दुकान पे। तो अब चलते हैं हम गणेश भैया के यहाँ पर, वो रिसेप्शन यही गली के नीचे में है। तो ही चल रहा है, ये है गाइस बंदो,
और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई मीन ब्रिज बन रहा है ब्रिज। तो ये फर्स्ट पड़ाव पार करके ही लोगों को जाना पड़ेगा मैरिज अटेंड करने के लिए। उस साइड भी ब्रिज बन रहा है, मतलब बीच में है शादी, दोनों साइड ब्रिज बन रहा है। ये रे गणेश भैया, पोस्टर लगा हुआ है। ओके मॉर्निंग फंक्शन, फिर नाइट फंक्शन होगा। ओके कौन साई, हाउ आर यू ब्रो? गाइस ये वही मंडप है जहाँ चंद्रशेखर का चंद्रो उसका मैरिज हुआ था। तो उसका ब्लॉग मैंने पहले डाल रखा है 3-4 महीना पहले। यहाँ पे होगा क्या नाइट प्रोग्राम है? तो डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, है? हो जाएगा रात तक, डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है भैया। क्या दोस्त हो यार भैया, इतने है? क्या भैया, क्या दोस्त हो, है? दोस्त का शादी है, डेकोरेशन कंप्लीट नहीं करवाया अभी तक। रात को शादी है, अब नहीं है, अब एंगेजमेंट है भाई साहब, अब एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट चल रहा है अभी, ये रात को है। अच्छा, तो रात होने के लिए बाकी और 4 घंटे बाकी है, तो प्लीज वेट, जल्दबाजी 4 बज गए आपके तरफ, जल्दबाजी नहीं कर सकते। सो गाइस एंट्रेंस गेट ये है, तो अभी कुछ इतना खास नहीं लग रहा है, नाइट व्यू बहुत एक्सलेंट रहेगा बिकॉज उस तरीके से डेकोरेशन किया जाएगा, ऑलमोस्ट काम चल रहा है, तो नाइट व्यू दिखाएंगे इसका। सो पहले कुछ पेट पूजा देन काम दूजा, पहले खाना खा लो यार पेट भर के। सो ये ले लिया हमने तेलुगु डिश जो बना हुआ है पुलाव। खाना कंप्लीट हो गया, अब मैं आ गया हूँ शॉप। एक्चुअली दोनों जगह शादियाँ हैं और आज भी बहुत सारी शादियाँ हैं, तो दुकान पे भी भीड़ है और स्टाफ भी नहीं आया, तो शायद प्रॉपरली मैं जा नहीं पा रहा हूँ। नाइट को शॉप क्लोज करके एंजॉय करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम बहुत अच्छे से होगा, मतलब अच्छे से वेल डेकोरेशन किया हुआ है, तो यहीं पर जाएंगे। ओके देखो गाइस आधे घंटे में फंक्शन है और नेकलेस अभी खरीदा जा रहा है। वीडियो क्या है? ऐसे ही लेना है क्या? कैसा दिख रही हूं? बहुत अच्छा बोल रहा है, बराती में जाएगा ना? हाँ, क्या बोल रहा था ना, बोल अभी हैं। टाइम हो गया है अभी 6:30 और वी आर रेडी फॉर बराती, सॉरी हम बारात में जाएंगे, गणेश भैया की जो भी बारात रिसेप्शन, पता नहीं कैसे निकालेंगे, शायद वो रथ निकाल रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं, तो क्या कुछ सीन रहता है वहीं जाकर देखते हैं। फिलहाल मैं घर आया था अभी, बस ड्रेस चेंज करने के लिए, हो गया ड्रेस चेंज। हेलो गाइस, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, आज सेलिब्रिटी वाली मिली गा रही होगी। Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. So guys, किसी और के हाथ से छुड़ा के लेकर आया हूँ, अब हम फटा कर देखते हैं कैसा फटता है ये, पहली बार फटा रहा हूँ गाइज। ओ भाई दिवाली, हैप्पी दिवाली, कहीं खड़ा गुड़ फटा हुआ एटा नहीं, गुड़ सिंगल सिंगल खड़ा भाई, ये ले facts over facts over track. Fast, I could roast, I could gas, think I'm okay. भैया अगेन क्या भैया डांस नहीं कर रहे हो? चल चल के क्यों जा रहे हो रे शादी में? गाड़ी रखा है ना भे?
गाड़ी भी नहीं भेजा, पैदल से जा रहा हूँ। कौन नहीं भेजा? ये पानी, ये वाटर बॉटल दिया है। अरे कहाँ कहाँ, किस किस को नहीं बुलाया बोलो तो। अरे अरे लीजिए लीजिए, किस को हमको नहीं बुलाया। फर्स्ट एंट्रेंस Slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll So finally Ganesh bhaiya pahunch gaye apne stage par. गाइस फाइनली दोनों शादियां अटेंड कर ली, मतलब दो मैरिज अटेंड करना था जो कि कर लिया हमने। मैं वहां ज़्यादा शूट नहीं कर रहा था बिकॉज वहां पे गाने वगैरह लगे थे, ओके। बट ओवरऑल जितना दिखाया आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक दिन में दो शादी अटेंड किए। तो गाइस टाइम अभी हो रहा है 11 o'clock, फिलहाल गाड़ी देके आते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूं। एंड अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय। And I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages.